हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए रिवीजन के तौर पर अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है। तो दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम यहां पर करेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। तो प्रश्न का राइट आंसर को ऑप्शन ए, 3 बीघा कॉरिडोर भारत व बांग्लादेश को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर महाबली गंगा सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, यहां पर हमें बताना है कि महाबली गंगा जो है कहां की सबसे लंबी नदी है। तो राइट आंसर को ऑप्शन ए, श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिरगीज प्रजाति के घर का नाम क्या है। दोस्तों, जो खिरगीज प्रजाति है इनके घरों को क्या कहा जाता है, यूर्त कहा जाता है। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जायकवाड़ी बांध बना है। दोस्तों, यहां पर हमें बताना है कि जो जायकवाड़ी बांध है किस नदी पर बना बांध है। तो राइट आंसर को ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लूटो ग्रह है। अब यहां पर हमें बताना है कि वलय ग्रह है, बौना ग्रह है, क्षुद्र ग्रह या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौना ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनोर बंदरगाह कहां स्थित है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में एनोर बंदरगाह स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, कुचिकल जलप्रपात कहां है। तो दोस्तों, कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंटार्कटिका महाद्वीप कहां स्थित है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो के बर्फ के मकान है। तो दोस्तों, इग्लू प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चंदन के वृक्ष कहां मिलते हैं। तो दोस्तों, चंदन के वृक्ष जो है बेसिकली आपको कर्नाटक में मिलते हैं, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे, मकराना संगमरमर की खान कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो दोस्तों, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्वेश्चन 14 है, प्रत्येक 2 देशांतर के बीच की दूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 111.3 किलोमीटर जो है प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है। क्वेश्चन 15, प्रत्येक 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, 111 किलोमीटर आपको याद रखना है, 111 किलोमीटर जो है प्रत्येक 2 अक्षांश के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य किस हेतु प्रसिद्ध है, हाथी, गैंडा, टाइगर या हिरण के लिए। तो दोस्तों, रणथंभौर वन्य प्राणी जो अभयारण्य है ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताइएगा कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 17, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती है, वो कौन सी है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। क्वेश्चन 18, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, अमेरिका, कजाकिस्तान, भारत या जापान। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, जम्बू द्वीप प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20, नियाग्रा जलप्रपात कहां स्थित है। तो दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो यह अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिहंद नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो है सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है। क्वेश्चन 23 है, टाइटन उपग्रह है बुध का, शनि का, वरुण का या बृहस्पति का? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन बी, टाइटन उपग्रह शनि का एक उपग्रह है। क्वेश्चन 24, गोविंद सागर झील कहां स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान आपको याद रखना है, राजस्थान में घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 26 है, पिछोला झील कहां स्थित है? तो दोस्तों उदयपुर में पिछोला झील स्थित है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुतिकोरिन बंदरगाह कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन 28 है, किस देश के बागान फेजेंडा है? तो दोस्तों कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। क्वेश्चन 29 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। क्वेश्चन 30, लोनार झील कहां स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है लोनार झील स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के सदृश ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र जो है पृथ्वी के सदृश ग्रह है, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 32 है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहां स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। देखेंगे वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, विजयनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि विजयनगर जो शहर है किस नदी के किनारे है, और अपना स्कोर भी आप ईमानदारी से बताएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।